रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बस ये रमज़ान की रौनकें जा रही हैं, अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान भी अगले साल के हम सबको सेहत के साथ, खुशियों के साथ, सबके साथ नसीब करे। और आज हम आपके साथ फिर एक स्नैक शेयर कर रहे हैं जो कि रेनबो सैंडविच है। हमने अपने चैनल पर इससे पहले भी एक रेनबो सैंडविच की वीडियो जो है वो डाली हुई है, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो हमने सोचा, बनाए थे हमने इफ्तारी में, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। तो बस हमने यहाँ ये ग्रीन चटनी बनाई है जिसमें हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, ज़ीरा, नमक लिया है। और आप चाहें तो बाद में इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और ये जो वीडियो है ये हमारे पहले वाले रेनबो सैंडविच की है, प्लेन वाले। तो इसमें हमने एक में सॉस लगाया है और टमाटो, और एक में हमने ये ग्रीन चटनी जो हमने पीसी थी, और बेसन में सिर्फ अजवाइन और नमक और ज़ीरा है और कुछ भी नहीं है। बस इस तरह हमने बेसन में डिप करके उसे जब तेल जो है वो साइड में चढ़ा दिया था, अच्छा गर्म हो गया, तो हमने इसे डाल दिया। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। और देखिए आप, जब हम इसे निकालेंगे गोल्डन ब्राउन होने के बाद, तो ये बड़ा प्यारा सा लगता है अंदर से कट करने के बाद। तो ये हमने पूरे स्लाइस का बनाया था, ठीक है ना। और हम जो आपके साथ इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं उसमें हमने इसे कट करके बनाए हैं था। ये देखिए आप, माशाल्लाह कट करके और कितना हसीन लग रहा है। तो इस तरह आप फुल ब्रेड का स्लाइस लेके भी इस तरह इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा रेनबो सैंडविच जो हम बना रहे हैं वो इसी तरह हमने ट्रायंगल शेप में बीच में से काटे हैं, और इसी तरह हमने ये ग्रीन चटनी जो है वो बनाई है। और एक में हमने उसी तरह सॉस लगाया है और एक में हमने ग्रीन चटनी, लेकिन बस यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज इसमें क्या करा है, आलू स्टफ़ करें हमने। जो मटेरियल हमने आपको आलू बड़े और समोसों की वीडियो में बताया है वही मटेरियल हमारे पास रखा था, तो वो हमने बीच में इस तरह उसको स्टफ़ करके और आसपास एक ब्रेड के स्लाइस पे टोमेटो सॉस और एक पे जो है वो हरी चटनी बना के, और बीच में हमने आलू की स्टफिंग करी। और फिर उसी तरह हमने जो है बेसन लिया है, और बेसन में जो सारी चीज़ें डलती हैं बस वही डली हुई हैं, और इस तरह हमने बेसन में डिप करके ब्रेड को, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हमने उसमें उसे डाल दिया। तो बस ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो आप इसे सर्व करिए टोमेटो सॉस के साथ, उसी हरी चटनी के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। इससे पहले आपने रेनबो सैंडविच जो हैं वो नहीं ट्राई करे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, तो आप ज़रूर एक बार ये वाले भी ट्राई करिए, आलू की स्टफिंग वाले और प्लेन वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं। अभी आप इसको ईद पे भी अगर बनाएं तो बहुत मज़े के लगेंगे, क्योंकि अब रमज़ान में तो ऑब्वियसली दो दिन रह गए, बस समझिए जुमेरात और जुमा सनीचर को तो ईद ही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस ये आप उसमें भी बना के रख सकते हैं, कोई भी अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप ईद के मौके पर भी ये बना के रख सकते हैं। ये देखिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह अंदर से। तो आलू की स्टफिंग के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।